क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश, और आज हम करने जा रहे हैं लैंग्वेज वर्क ऑफ द लेसन अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो नेल्सन मंडेला ने लिखी है। तो पहला क्वेश्चन क्या है इसका, इन कॉलम ए और सम एक्सप्रेशंस यू विल फाइंड इन द टेक्स्ट, मेक अ गेस एंड मैच ईच एक्सप्रेशन विद एन अप्रोप्रिएट मीनिंग फ्रॉम कॉलम बी। ये जो एक्सप्रेशंस दिए गए हैं कॉलम ए में, ये हमने सब लेसन में पढ़े हैं, इनकी राइट मीनिंग हमें देखनी है कॉलम बी में। तो पहला क्या है, अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस, अ ब्यूटीफुल कमिंग टुगेदर ऑफ वेरियस पीपल लाइक द कलर्स इन अ रेनबो। जिस तरह रेनबो में डिफरेंट कलर्स होते हैं, इसी तरह डिफरेंट कलर्स के पीपल कहाँ आए थे, साउथ अफ्रीका आए थे। कब, जब वहाँ पे ओथ सेरेमनी होने वाली थी, किसकी, नेल्सन मंडेला की, जब नेल्सन मंडेला ने वहाँ का जो प्रेसिडेंट उसे मुंतखब किया गया था। इसके बाद द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, द सेंटर ऑफ रेशियल सुपीरियॉरिटी, वहाँ पे सिर्फ वाइट पीपल को सुपीरियर माना जाता था। तो इसका आएगा द सेंटर ऑफ रेशियल सुपीरियॉरिटी। इसके बाद है बी ओवरवेलम्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, फील डीपली इमोशनल रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑल द पास्ट इवेंट्स दैट हैव लेड अप टू द मोमेंट। इसके बाद रेजिलियंस दैट डिफाइज इमेजिनेशन, अ ग्रेट एबिलिटी ऑलमोस्ट अनइमेजिनेबल टू रिमेन अनचेंज्ड बाय सफरिंग, नॉट लूजिंग होप, गुडनेस और कॉरेज। इसके बाद है अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी, अ साइन ऑफ ह्यूमन फीलिंग्स, गुडनेस, काइंडनेस, पिटी, जस्टिस एंड एट्सेट्रा, अ ट्विलाइट एग्जिस्टेंस। यह है ए ट्विलाइट एग्जिस्टेंस, ए हाफ सेक्रेट लाइफ, लाइक ए लाइफ लिव्ड इन ए फेडिंग लाइट बिटवीन सनसेट एंड डार्कनेस। तो जो पहला है रेनबो, इसका कौन सा आएगा, ए ब्यूटीफुल कमिंग टुगेदर ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ पीपल एंड डिफरेंट कलर, वाइट सुप्रीमेसी को आएगा, द सेंटर ऑफ रेशियल सुपीरियॉरिटी, बी ओवरवेलम्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री, फील डीपली इमोशनल रिमेंबरिंग अंडरस्टैंडिंग ऑल द पास्ट इवेंट्स, रेजिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, ए ग्रेट एबिलिटी टू रिमेन अनचेंज्ड बाय सफरिंग्स। इसके बाद ए ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी, अ साइन ऑफ ह्यूमन फीलिंग्स, ट्विलाइट एग्जिस्टेंस, हाफ सेक्रेट लाइफ, लिव्ड विद फेडिंग लाइट बिटवीन सनसेट एंड डार्कनेस। इसके बाद है आइडियोमैटिक एक्सप्रेशंस। तो पहला है मैच्ड इटलाइज्ड फ्रेजेस इन कॉलम ए विद द फ्रेज नियरेस्ट इन द मीनिंग इन कॉलम बी। फर्स्ट लुक फॉर द सेंटेंस इन द टेक्स्ट इन विच फ्रेज इज कॉलम ए वोकल। कॉलम ए देखते हैं, आई वाज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट। अनमाइंडफुल जो है, इसकी नियरेस्ट मीनिंग हमें देखनी है इन तीनों में से। हैड नॉट फॉरगॉटन, वॉज अवेयर ऑफ द फैक्ट, was not careful about the fact, forgot or was not aware of the fact। तो unmindful की meaning सही meaning है had not forgotten, was aware of the fact। इसके बाद when my comrades and I were pushed to our limits, यहाँ पर देखना है were pushed to our limits। पहला है pushed by guards to the wall, took more than our share of beatings, felt that we could not endure the sufferings any longer। तो ये आएगा इसका felt not that we could no longer endure the sufferings any longer। इसके बाद है to reassure me and keep me going, make me go on walking, help me continue to live in a hope in this difficult situation, very difficult situation, make me remain without complaining। तो इसका आएगा help me continue to live with hope in very difficult situation।